समझेंगे, क्योंकि आने वाले 3 चैप्टर्स में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, यही टॉपिक बार बार आने वाला है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का जो नाम है वो है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। ठीक है, हमें ये समझना है, एक अकाउंट बनाना हमको सीखना है। टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। देखो, सबसे पहले तो आपको ये, इसके नाम से पहले तो आपको ज़रा ये समझना है कि इस टॉपिक के अंदर हमको जो है बेसिकली पढ़ना क्या है। अभी स्क्रीन दिख जाएगी आपको। ठीक है, आपको सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर ये समझना है कि यार इस टॉपिक के अंदर हमको जो है बेसिकली पढ़ना क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। देखिए, सबसे पहले तो आपको एसेट का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, एसेट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, परिसंपत्तियाँ होती हैं जो भी हमारे बिजनेस के अंदर एसेट्स होते हैं। लाइबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो हमारा उधार है बिजनेस के ऊपर, जो भी हमारे दायित्व हैं, जो भी हमारा उधार है, उसको कहते हैं लाइबिलिटी। और अगर हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन की, रीवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? रीवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन। अगर हम हिंदी में बात करें तो पुनर्मूल्यांकन, ये इसका जो है मतलब होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि भाई, जब भी रेशो चेंज हो रही होती है, एडमिशन हो रहा होता है किसी भी साझेदार का, रिटायरमेंट हो रही होती है या डेथ हो रही होती है किसी भी पार्टनर की या कुछ भी, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो एसेट और लाइबिलिटी जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो हो रहे होते हैं, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम रीवैल्यूड करते हैं। रीवैल्यूड का मतलब न्यू वैल्यू पे कैलकुलेट करना। ठीक है, अब वो वैल्यू, जैसे मेरी जो बैलेंस शीट है उसमें मेरे एसेट और लाइबिलिटी जिस वैल्यू पे शो हो रहे हैं, तो जब हम उसको रीवैल्यू करेंगे तो वो वैल्यू उससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो वैल्यू उससे कम भी हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारी बैलेंस शीट है। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट है, इस तरीके से बनती है। इधर जो है एसेट्स आते हैं और इधर जो है लाइबिलिटी आती है। ठीक है जी, स्पेलिंग देख लीजिएगा लाइबिलिटी की। अब यहाँ पे जो है एसेट साइड पे क्या क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे जो है डेटर है, कैश है, बैंक है, स्टॉक है, ठीक है, बी आर है, ये सब चीज़ें होती हैं एसेट के अंदर। प्लांट एंड मशीन है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सब चीज़ें आती हैं एसेट्स के अंदर। लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या आता है? कैपिटल है, क्रेडिट है, बीपी है, बिल्स पेबल, ये सब चीज़ें जो आती हैं, इसके अलावा रिजर्व वगैरह जो हैं वो सब इसमें आते हैं। तो इन सब की कुछ वैल्यू होती है। जैसे मान लो डेटर 1 लाख के, ये 2 लाख के, ये 3 लाख के, ये 4 लाख का, ये 5 लाख का, ये 6 लाख का, ठीक है, मान लो ये 10 लाख का, ये 4 लाख का, ये 5 लाख का, ऐसे कुछ वैल्यूज़ होती हैं। हर एसेट और हर लाइबिलिटी की वैल्यू होती है हमारी बैलेंस शीट के अंदर। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं? रीवैल्यू करना चाहते हैं। आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ होगा। रीवैल्यूड का मतलब कि जिस वैल्यू पे हमारे एसेट और लाइबिलिटी अभी शो हो रहे हैं, अब हम उसको किसी दूसरी वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं, न्यू वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं। ठीक है जी, तो वो वैल्यू उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। जैसे अभी की मैं बात करता हूँ तो मेरे बैलेंस शीट में डेटर 1 लाख के दिख रहे हैं, तो अगर मैं रीवैल्यूड करूँ तो भाई डेटर जो है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में नीचे दे रखा होगा कि जी डेटर जो है वो अब 1.5 लाख के हो गए। ऐसे ही मान लीजिए स्टॉक है, स्टॉक 4 लाख का है, मान लीजिए वो आपको बोलेगा जी स्टॉक तो अब 3 लाख का हो गया। प्लांट एंड मशीनरी है, मान लो 5 लाख की दे रखी है, वो बोलेगा जी अब तो 3 लाख की हो गई। क्रेडिटर हैं, 4 लाख के दे रखे हैं, तो अब वो बोलेगा जी ये तो 8 लाख के हो गए। तो जो एसेट और जो लाइबिलिटी है उनकी वैल्यू जो बैलेंस शीट के अंदर शो हो रही है, वो आपको दोबारा न्यू वैल्यूज़ देगा कि जी अब इनकी वैल्यू जो है ना, अब ये है, ये है इनकी वैल्यू। तो ऐसी स्थिति के अंदर
उस चीज को कहते हैं पुनर्मूल्यांकन करना, रिवैल्यू करना। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब एसेट और लाइबिलिटी की अमाउंट बदलते हैं, रिवैल्यूड किया जाता है उनको न्यू वैल्यू पे, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक अकाउंट बनाया जाता है। इस अकाउंट का जो नाम होता है इसको कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे प्लीज़, सारा ध्यान यही होना चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है, रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। जो लेफ्ट साइड होती है वो डेबिट साइड होती है, जो राइट साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे मान लीजिए ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे जो है ये आ गया आपका रुपीस, यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स और यहाँ पे आ गया आपका रुपीस। इस तरीके से कोई भी खाता जो है तैयार किया जाता है, ये किसी भी खाते का फॉर्मेट होता है, ऐसे ही बनाते हम कोई भी। अब देखिए, अब आपको जरा ये समझना क्या है, मैंने बोला कि जब हम एसेट और लाइबिलिटी का क्या कर रहे होंगे, जब हम एसेट और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन कर रहे होंगे, तो एसेट की वैल्यू हो सकता है बेटा ज़्यादा हो रही हो या कम हो रही हो, कुछ भी हो सकता है। रिवैल्यूएशन करने पे एसेट की जो वैल्यू है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। जैसे डेटर मेरे 1 लाख के थे, अब वो कह रहा है जी नई वैल्यू तो 1.5 लाख की है। स्टॉक मेरा 4 का था लेकिन अब वो कह रहा है जी 3 लाख का है। तो एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक है। सेम ऐसे ही लाइबिलिटी का है, लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर 4 लाख के थे, अब वो कह रहा है जी 8 लाख के हैं। मान लो बिल्स पेबल 5 लाख के हैं, अब वो बोल दे जी 2 लाख का है। तो लाइबिलिटी की भी वैल्यू रिवैल्यूएशन पे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को इस अकाउंट के अंदर, इस खाते के अंदर दिखाना होता है कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो वो किस तरफ रिकॉर्ड की जाएगी, और अगर एसेट की वैल्यू घट रही है तो वो किस तरफ रिकॉर्ड की जाएगी। सिमिलरली लाइबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो वो किधर आएगी, और एसेट की वैल्यू अगर वो बढ़ रही है तो किधर आएगी। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रा ध्यान से समझेंगे, अगर किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो वो जो है बेटा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती है, अगर बढ़ रही है। जैसे कि मेरे डेटर 1 लाख के थे, 1 से 1.5 लाख के हो गए, तो 50,000 से मेरे डेटर की वैल्यू बढ़ रही है, तो वो 50,000 रुपये किधर आएंगे, वो 50,000 रुपये इधर आएंगे। बट अगर किसी भी एसेट की वैल्यू अगर घट रही है, जैसे कि मेरे पास स्टॉक 4 लाख का था और स्टॉक 3 लाख का हो गया, रिवैल्यूएशन करने पे मेरा जो स्टॉक है वो 1 लाख से घट गया, तो वो 1 लाख रुपए का आएंगे यहाँ पे। अगर एसेट की वैल्यू घटती है तो क्रेडिट साइड, बढ़ती है तो वो बेटा सॉरी, एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो क्रेडिट साइड, घटती है तो डेबिट साइड। सिमिलरली लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ती है, जहाँ ऊपर की तरफ एरो लग रहा है उसका मतलब बढ़ना है, जहाँ नीचे की तरफ एरो लग रहा है उसका मतलब घटना है। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो वो डेबिट साइड आती है, ठीक है। एसेट जो बढ़ रहे हैं वो इधर आते हैं बेटा, लाइबिलिटी जो बढ़ रही है वो इधर आती है, ध्यान रख रहे हैं। एसेट का बढ़ना इधर, घटना इधर, लाइबिलिटी का बढ़ना इधर और घटना इधर, उल्टा चल रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जैसे कि मेरी क्रेडिटर 4 से 8 लाख के हो गए, 4 लाख से बढ़ गए, तो वो 4 लाख किधर आएंगे, इधर आएंगे। ऐसे मेरा बीपी 5 से 2 लाख का हो गया, तो क्या कहते हैं 3 लाख से मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, तो वो 3 लाख किधर आएंगे, इधर। तो एसेट का बढ़ना, एसेट का घटना, एसेट की वैल्यू का बढ़ना, एसेट की वैल्यू का घटना, लाइबिलिटी की वैल्यू का बढ़ना, लाइबिलिटी की वैल्यू का घटना किधर आया, ये मैंने आपको बताया। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे बेटा, जो एसेट और जो लाइबिलिटी मेरी बैलेंस शीट के अंदर, मेरे चिट्ठे के अंदर मौजूद होते हैं, उसके बारे में तो मेरे को पता है, वो तो मेरे बैलेंस शीट में दिख ही रहे हैं कि जी ये मेरे पास एसेट है और ये मेरे पास लाइबिलिटी है। लेकिन कुछ परिसंपत्तियां और कुछ दायित्व ऐसे होते हैं, कुछ एसेट और कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी होती हैं
जो मेरी बैलेंस शीट के अंदर, मेरे चिट्ठे के अंदर मौजूद नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है, वो एसेट, वो परिसंपत्ति जो यहाँ पे नहीं शो हो रही यहाँ पे, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट, जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं है। और ऐसी लाइबिलिटी जो यहाँ पे शो नहीं हो रही लेकिन वो है, तो ऐसी उसको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने जो यहाँ पे शो करे हैं ये कौन से हैं बेटा? ये तो रिकॉर्डेड वाले हैं जो मेरी बैलेंस शीट के अंदर थे, जो मुझे दिख रहे थे, तो ये तो रिकॉर्डेड है। लेकिन कुछ एसेट और कुछ लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड भी हो सकती है जो मेरी बैलेंस शीट के अंदर नहीं है। तो उन एसेट की और लाइबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ रही है या घट रही है तो हम उसको जो है फिर किस किस तरफ को रिकॉर्ड करेंगे वो आपको ज़रा यहाँ पे समझना है। अगर क्या कहते हैं, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो किधर आता है? वो आता है इधर, हम यहाँ पे लिख देते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है हमेशा क्रेडिट साइड पे ही आएगा, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो हमेशा किस तरफ आएगी? वो हमेशा डेबिट साइड पे ही आएगी। ये हो गई बात। मतलब एसेट और लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड के अंदर बढ़ना घटना नहीं है। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो क्रेडिट साइड ही आएगा, अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो डेबिट साइड ही आएगी। अनरिकॉर्डेड में बढ़ना घटना नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? अच्छा ठीक है जी, बात आप ज़रा ध्यान से समझिए। जो रिकॉर्डेड वाले थे उसमें बढ़ना घटना है, अगर एसेट बढ़ रहे हैं तो इधर, घट रहे हैं तो इधर, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इधर, घट रही है तो इधर, ये थे रिकॉर्डेड। ये दोनों जो हैं ये थे रिकॉर्डेड जो मेरी बैलेंस शीट के अंदर थे, और ये वाला जो है ये हो गया अनरिकॉर्डेड। मैंने रिकॉर्डेड वाले भी कर दिए, मैंने अनरिकॉर्डेड वाले भी, सारे एसेट और सारी लाइबिलिटी जिसकी भी वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड है, सब रिकॉर्ड कर दिए। अब इसको करने से मुझे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? एसेट और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने से मुझे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये इस अकाउंट को बनाने का मेन पर्पस होता है। तो अगर आपकी बैलेंसिंग इस तरफ कम आती है डेबिट साइड, तो उसका मतलब क्या है? अगर डेबिट साइड कम आ रही है तो उसका मतलब है टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, तो आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर डेबिट साइड की बैलेंसिंग कम आ रही है तो वो पार्टनर में, साझेदारों में बांट देते हैं, और अगर इस तरफ की कम आ रही है क्रेडिट साइड पे तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अगर इस तरफ की कम आ रही है, या तो डेबिट साइड की कम आएगी या बेटा क्रेडिट साइड की कम आएगी, दोनों नहीं आ सकती, एक ही तरफ से कम आएगी। अब आपको बात घोल के ज़रा एक मैं लाइन बता रहा हूँ, ये जो प्रॉफिट और ये जो लॉस आया है किस रेशो में बांटना है आपको, ये आपको ज़रा समझना है बेटा। आपको घोल के पी जाना है कि ये जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और जो ये रीवैल्यूएशन का जो लॉस होता है, चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशो में, ओल्ड ओल्ड और ओल्ड ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको ध्यान से घोल के पी जाएंगे, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को कि यार किस रेशो में बांटूँ, रेशो इतनी हो जाती है ओल्ड न्यू सेक्रीफाइस गेन फलाना ढिमकाना। तो भाई ध्यान रखनी है बातें, नोट करके अपनी जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे पीछे भी जो मैं बता चुका हूँ, पुराने प्रॉफिट लॉस रिजर्व गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होगी, गेनिंग सेक्रीफाइजिंग को देगा, ये सब बातें बेटा ध्यान रखनी है मोटी मोटी। ये आगे दिक्कत करती है जब कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो जाते हैं, समझ नहीं आता बच्चों को कि जब जैसे मैं चेंजिंग रेशो पढ़ रहा हूँ तो कैसे ट्रीटमेंट होगी, एडमिशन पढ़ रहा हूँ तो क्या होगा, रिटायरमेंट होगा, सब सेम रहता है, कोई वो नहीं है, ठीक है? तो जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस होगा वो भाई ओल्ड रेशो में बटेगा। ओल्ड ओल्ड और ओल्ड दो रेशो होंगी इस चैप्टर के अंदर, एक होगी ओल्ड और एक होगी न्यू।
रिवैल्यूएशन को करने का जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि एसेट और लायबिलिटी को जब हम न्यू वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको करने से फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये जो अकाउंट है ये इसके बारे में बताता है। और आपको बेटा ध्यान रखना है, वन मार्क में बहुत बारी पूछ लिया जाता है कि इस अकाउंट का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा है अकाउंट कई सारे तरीके के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीन तरीके के अकाउंट होते हैं। अब तो शायद ही आपको याद हो कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। इसका जो नेचर है वो कैसा है, इसका जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल एक नंबर में ये बहुत बारी पूछा जाता है। और ये पूछे, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, इसका नेचर कैसा है नॉमिनल, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप बोलोगे एक नंबर के लिए इतनी भरपाई करवाई है, ये तो एक के हैं, वो जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें तो ये अकाउंट बनेगा ही बनेगा। बट सबसे पहले आपको ये अकाउंट कैसे बना है, एसेट की वैल्यू जो बढ़ रही है इस फॉर्मेट को दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि आने वाले तीन चैप्टरों में आपको यही अकाउंट बनाना है। कहाँ एसेट का बढ़ना आ रहा है, कहाँ एसेट का घटना आ रहा है, कहाँ लाइबिलिटी का बढ़ना आ रहा है, कहाँ लाइबिलिटी का घटना आ रहा है, कहाँ अनरिकॉर्डेड एसेट आ रहे हैं, कहाँ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ रही है, ठीक है। और अगर डेबिट साइड पैसे कम आते हैं तो उसको प्रॉफिट कहते हैं, क्रेडिट साइड अगर पैसे कम आते हैं तो उसको लॉस कहते हैं, और ओल्ड रेशो में बढ़ता है। ये तो हो गया, इसको ये अकाउंट बन गया। अब हम ये समझते हैं बेटा कि इसकी जनरल एंट्रीज कैसे होती है। अब स्टूडेंट्स इसकी जनरल एंट्री को रटते हैं कि जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रटना कुछ नहीं है, रट के कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। आपको जैसे मैंने प्रीवियस में भी समझाया कि भाई डेबिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करना है, क्रेडिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए डेबिट करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए नॉर्मल सी चीज़, एसेट का अमाउंट कैसा होता है, लाइबिलिटी का अमाउंट कैसा होता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी है। अब आपको इन सब की जनरल एंट्री करनी है। आठ चीज़ें हैं बेटा यहाँ पे, चार इधर हैं और चार इधर है, तो आठ जनरल एंट्री आपको समझनी है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए पहले ज़रा इन कौन प्रॉफिट और लॉस को छोड़ के पहले आप नॉर्मल एसेट और लाइबिलिटी की एंट्री को समझिए। आपको बस ये समझना है सिर्फ इतना, पहले इधर डेबिट वाले समझिए ज़रा। अगर कोई, आपको बस ये पता होना चाहिए कि एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आती है, और अगर घटती है तो वो कहाँ आती है। जैसे मुझे इसकी जनरल एंट्री करनी है तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिए मैं कैसे कर रहा हूँ। ये एसेट घटने की है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि भाई जब एसेट की वैल्यू घटती है तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आती है। रिवैल्यूएशन के कहाँ पे आ रही है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आता है एसेट का घटना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि ये जो कॉम्पोनेंट है एसेट का बढ़ना या घटना, लाइबिलिटी का बढ़ना या घटना, या अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, के ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आता है या क्रेडिट साइड आता है। आपको पता चल गया जी ये तो डेबिट साइड आता है। तो पहली जनरल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, और टू में क्यों, जो भी एसेट का नाम है टू एसेट, ये हो गया। रिवैल्यूएशन को क्यों डेबिट करा, क्योंकि मेरे को पता है ना वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आ रहा है। अब मुझे अगर मान लो इसकी जनरल एंट्री करनी है, एसेट का अमाउंट अगर बढ़ रहा है मुझे इसकी जनरल एंट्री करनी है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए एसेट का बढ़ना किस तरफ आता है। तो मुझे पता है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट का मतलब टू बेटा टू रिवैल्यूएशन, यही तो मैंने आपको बताया कि जो टू में लिखते हैं उसका मतलब ही तो क्रेडिट होता है। अब अगर ये टू में आ गया तो डेबिट किसको करूं, जो एसेट है, तो ये आ जाएगा एसेट, एसेट अकाउंट। इस तरीके से जनरल एंट्री करनी है। अब जैसे मेरे को इसकी जनरल एंट्री करनी है लाइबिलिटी के बढ़ने की, तो आपको बस ये पता होना चाहिए डेबिट साइड आता है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आता है किसके डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन के, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है।
तो क्या एंट्री करूँगा बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी उस लाइबिलिटी का नाम है, जो भी वो लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी बढ़ने की एंट्री हो गई। अगर मैं इसकी एंट्री करना चाहता हूँ लाइबिलिटी घटने की, तो इसकी क्या एंट्री होगी लाइबिलिटी घटने की, ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आता है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट कौन होगा, सिंपल सी बात है, जो वो लाइबिलिटी है वो डेबिट हो जाएगी, लाइबिलिटी का अमाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगर मुझे इसकी एंट्री करनी है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की, तो ये रिवैल्यूएशन के कहाँ है, डेबिट साइड पे है, तो मैं क्या एंट्री करूँगा, तो मैं एंट्री करूँगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर मुझे अनरिकॉर्डेड एसेट की करनी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो ये हो जाएगा। ये आपने सारी एंट्रियाँ कर दी एसेट बढ़ने की और एसेट घटने की। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे बेटा, प्रॉफिट और लॉस की एंट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, करनी वैसे ही है जैसे हमने ये वाली करी है। जैसे मेरे को प्रॉफिट की एंट्री माननी है, अगर इस तरफ बैलेंसिंग कम आ रही है, तो किस तरफ आता है प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आता है, डेबिट साइड पे। तो आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। अब यार टू में क्या लिखूँ, टू में प्रॉफिट नहीं लिख देना आपको बेटा, किसको मिलेगा प्रॉफिट, पार्टनर्स को मिलेगा, साझेदारों को मिलेगा। तो मान लीजिए लाइक ए कैपिटल अकाउंट, ए बी सी मान लो पार्टनर है, ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, मान लो दो पार्टनर थे, तो साझेदारों को मिलता है प्रॉफिट और लॉस। तो ये किसकी एंट्री है, ये प्रॉफिट की एंट्री है। अब ऐसी अगर मुझे लॉस की एंट्री करनी हो, तो लॉस की एंट्री में क्या करूँगा, लॉस कहाँ पे आता है रिवैल्यूएशन के, लॉस आता है क्रेडिट साइड पे, इस तरफ क्रेडिट होता है रिवैल्यूएशन, तो क्रेडिट वैल्यूएशन होता है, तो डेबिट कौन होगा, लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर बियर करेंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या आ जाएगा, डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये हो जाएगी आपकी लॉस की एंट्री। एक भी एंट्री आप, आठ एंट्रियाँ मैंने कर दी है, एक भी एंट्री आपको बेटा रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको ये फॉर्मेट आप दिमाग में छाप लीजिए, ये वाला कि एसेट अगर बढ़ रहा है तो वो किधर आएगा रीवैल्यूएशन के, एसेट का बढ़ना क्रेडिट साइड, घटना डेबिट साइड, और लाइबिलिटी का बढ़ना डेबिट साइड, घटना इधर, अनरिकॉर्डेड एसेट हमेशा इधर, इसमें कोई बढ़ना घटना नहीं है, और लाइबिलिटी इधर, प्रॉफिट हो रहा है तो इधर, लॉस हो रहा है तो इधर। और एंट्री जब करते हैं जनरल एंट्री, तो बस ये देख लेते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि एक मशीन है आपके पास, मशीन एसेट होती है, प्लांट एंड मशीन है आपके पास, वो 20 से 40 हज़ार की हो गई। अब मैं आपसे बोलूँ कि बताइए जनरल एंट्री क्या होगी, 20,000 से 40,000 की हो गई, तो पहले तो आप ये देखेंगे कि वैल्यू बढ़ी या घटी, तो भाई 20 से 40 की हो गई, तो वैल्यू बढ़ गई उसकी 20,000 रुपये से, तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। तो आपको ये देखना है कि रिवैल्यूएशन में किधर आता है एसेट का बढ़ना, तो आपको पता है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर आता है। तो आप एंट्री क्या करेंगे, क्या एंट्री बताई थी मैंने इसकी, इसकी एंट्री मैंने क्या बताई थी, ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो डेबिट कौन होगा, जो वो चीज़ है, कौन है वो चीज़, एसेट, और एसेट हमारे सिनेरियो में क्या है, मशीन, तो मशीन डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जहाँ जहाँ मैंने एसेट और लाइबिलिटी लिखा है क्वेश्चन के अंदर, कौन सा एसेट है, कौन सी लाइबिलिटी है, उसका नाम वहाँ मैंशन करते हैं, जो भी होता है। तो जनरल एंट्रीज आपको एक भी रटने की आवश्यकता नहीं है, बस ये देखना है कि ये अकाउंट में कहाँ आएगा। अगर आपको ये पता है कि एसेट का बढ़ना घटना, लाइबिलिटी का बढ़ना घटना, और अनरिकॉर्डेड एसेट का बढ़ना घटना कहाँ आता है, तो आप बहुत ही ईजिली जनरल एंट्री पास आउट कर सकते हैं। एक बारी और देख लीजिए, क्योंकि फिर मैं आपसे अभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपको जनरल एंट्रीज बतानी होगी, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैंने किस तरीके से जनरल एंट्रीज को करा है, अगर उसमें कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है कि कैसे जनरल एंट्री हुई, क्यों वो डेबिट हुआ, क्यों वो क्रेडिट हुआ, तो वो पूछ सकते हैं।
या कुछ मैं एग्जांपल पूछूंगा फिर आपसे, एसिड का बढ़ना घटना का, लायबिलिटी का बढ़ना घटना या अनरिकॉर्डेड का, फिर आप मुझे जनरल एंट्रीज बताइएगा कि इसकी जनरल एंट्री जो है वो ये होनी है, ठीक है जी। अगर आपको याद है तो दो तरीके के रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये क्या है? तो मैंने आपको ये बोला था कि जो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, आपको इसके अंदर अलग अलग तरीके के केसेस होते हैं, पांच पांच छः छः, तो मैंने ये बोला था कि आपको इसके अलग से जनरल एंट्रीज को समझना पड़ेगा। तो अब आपने रिवैल्यूएशन पढ़ लिया है, अब आप इसको समझ सकते हैं। पहले मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये होता क्या है पहले मैं ये आपको बताऊंगा, और फिर इसके अलग अलग जो केसेस होते हैं उसकी जनरल एंट्री को हम समझते हैं। बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, तीन वर्ड से मिल, वर्कमैन कौन होता है बेटा? जो एक संगठन के अंदर काम करता है बंदा, कर्मचारी, उसी को तो वर्कमैन कहते हैं, जो हमारा एम्प्लॉई है वो होता है वर्कमैन। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन का मतलब होता है एक मालिक जब अपने वर्कर को पे करता है, किसी किस चीज़ के लिए पे कर रहा है ये आपको ध्यान रखना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? एक ऐसा रिजर्व जो कि किस लिए बनाया गया है कि अगर अगर क्या हो जाए, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी वर्कमैन का अगर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो मालिक क्या करेगा? मालिक अपने वर्कमैन को जो अमाउंट पे करेगा, मालिक जो अपने वर्कमैन को जो अमाउंट पे करेगा उस चीज़ को बेटा कंपनसेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपनसेशन। क्यों पे कर रहा है बेटा वो? जैसे मान लो मशीन चलाते चलाते किसी के किसी वर्कमैन का हाथ कट गया, मान लो मशीन के अंदर आ गया, हाथ कट गया उसका, तो ये क्या हो गया? मिस हैपनिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो ओनर है, जो मालिक है, वो अपने वर्कर को जो अमाउंट पे करेगा इट्स कॉल्ड कंपनसेशन। वो क्यों पे कर रहा है ये मैटर करता है, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई कार्यस्थल पर, इस वजह से वो पे कर रहा है। तो ये जो पे कर रहा है इसके इस चीज़ के लिए, ये जो अमाउंट ये जो पे कर रहा है इस चीज़ के लिए, जो रिज़र्व बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ये जो अमाउंट ये जो पे कर रहा है इस चीज़ के लिए जो रिज़र्व बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। तो ये क्या होता है? सबसे पहली बात तो आपको ये समझ लेनी है, क्या है ये, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये रिज़र्व क्या है और क्यों क्रिएट हुआ है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर होते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर होते हैं, अगर उनके साथ कार्यस्थल पे कोई भी दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मालिक को अपने वर्कर को हर्जाना देना पड़ता है, अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो जो अमाउंट पे कर रहा है वो अमाउंट क्या कहलाता है? कंपनसेशन कहलाता है, ठीक है। और क्यों पे कर रहा है ये मैटर करता है। क्यों पे कर रहा है? क्योंकि भाई एक्सीडेंट हो गया इसलिए पे कर रहा है। तो ये जो अमाउंट पे कर रहा है, अब ऐसा तो भाई एक के साथ हुआ, दो के साथ, बहुत लोगों के साथ हो सकता है, तो वो इस चीज़ के लिए अलग से एक रिज़र्व बना लेता है कि मैं अलग से कुछ पैसे सेव करके रख लेता हूँ, अगर कुछ भी मिस हैपनिंग वगैरह हो जाती है तो मैं इस रिज़र्व में से, अगर कुछ हो गई तो इस रिज़र्व से कुछ पैसे अलग से बचा के रख लेते हैं, कुछ हो गया तो यहाँ से देख लेंगे, इस रिज़र्व से पे कर दूंगा अपने अपने वर्कर को। तो वो रिज़र्व जो इस चीज़ के लिए बना हुआ है कि इन केस अगर किसी वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हो जाता है, ज़रूरी नहीं होगा ही होगा, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर भी ठीक, तो अगर हो जाता है तो अलग से पैसे थोड़े सेव करके रख लेते हैं, हो गया तो इस रिज़र्व से दे देंगे, वो रिज़र्व वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व कहलाता है। दुर्घटना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ऐसा नहीं है कि होगी ही होगी, हर साल होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पैसा हो सकता है ऐसे ही रखा रह जाए रिज़र्व में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व होता क्या है पहले तो आपको ये समझ लेना है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, एक मिनट रुकिएगा बस। ये सब क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया, अब इसके अंदर अलग अलग तरीके के केस होते हैं। सबसे पहला जो है ये है केस वन। केस वन का मतलब, केस वन है इफ़ नो क्लेम, या इस चीज़ को आप ये भी कह सकते हो इफ़
नो इन्फॉर्मेशन इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, ये भी कह सकते हो, या नो क्लेम। नो क्लेम या नो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कोई हादसा नहीं हुआ, कोई भी हादसा नहीं हुआ, पूरे साल सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ मस्त चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। कल बेटा मैंने आपको ये बताया था, ये बैलेंस शीट ऐसे होती है और यहाँ पे ये एसेट होता है, यहाँ लायबिलिटी होती है। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन है यहाँ पे रहता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, ऐसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, ऐसे यहाँ पे जनरल रिज़र्व, कल बताया था अगर याद हो प्रीवियस क्लास के अंदर। और ये भी बताया था लायबिलिटी का अमाउंट क्रेडिट होता है, तो यहाँ जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब का अमाउंट क्रेडिट होगा। ऐसे यहाँ भी बताया था पी एंड एल होगा, यहाँ पे बताया था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एक्सपेंस, ये भी बताया था एसेट का अमाउंट डेबिट होता है। इन दोनों चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि इनका अमाउंट डेबिट है, और इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो यहाँ पे होंगे ये क्रेडिट हैं, इसको क्रेडिट होंगे क्यों, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी का अमाउंट क्रेडिट होता है, तो इनको ख़त्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो पहला केस जो है वो है इफ़ देयर इज़ नो क्लेम, कोई हादसा नहीं हुआ, मतलब आपने जो रिज़र्व बना रखा है, मान लो यहाँ पे आपने 1,00,000 रुपये का रिज़र्व बना रखा है वर्कमैन कंपनसेशन का, कि अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने 1,00,000 रुपये अलग से रख रखे हैं साइड में, कि अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं इस रिज़र्व से पैसे दे दूँगा, और अगर कुछ हुआ ही नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, पैसे तो अभी ही रखे हुए हैं, कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में सारे के सारे पैसे बट जाते हैं, किस में बट जाते हैं, पार्टनर्स में बट जाते हैं। तो जैसे हमने कल जनरल रिज़र्व बांटा था प्रीवियस क्लास के अंदर, अगर याद हो तनीषा की एंट्री होनी चाहिए जनरल रिज़र्व बटने की, इसका अमाउंट क्रेडिट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ तो एंट्री क्या बनेगी, हाँ जो भी पार्टनर हैं उनमें। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी है, अबे अब मेरे को इसको बांटना है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व को, तो ये क्रेडिट है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व डेबिट टू जितने भी पार्टनर हैं, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर हैं उन समय में क्या कर दूँगा, उन समय में जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। तो पहला केस क्या होता है, इफ़ नो क्लेम एंड नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, देन होल्ड द अमाउंट इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में बांटना है, सारा का सारा अमाउंट बट जाएगा क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, क्ले कुछ हुआ ही नहीं, हादसा वगैरह, अच्छा जी ठीक है, सारा पैसा बांट दिया। अब आती है दूसरे केस के रिगार्डिंग, केस टू में क्या है, आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व बना रखा है 1,00,000 रुपये का अपनी बैलेंस शीट में, के जी अगर कोई भी हादसा होता है 1,00,000 रुपये तक आपने पैसे अलग साइड में रख रखे हैं, के जी यहाँ से देख लेंगे, हादसा हुआ कितने का हुआ, क्वेश्चन में दे रखा होगा के जी क्लेम जो है ना 1,00,000 रुपये का हो गया, 1,00,000 रुपये का, मतलब आपने 1,00,000 रुपये तक साइड में रख रखे थे कि कोई भी एक्सीडेंट होगा तो यहाँ से दे देंगे, और हुआ एक्सीडेंट और आपको कंपनसेशन के लिए कितना पे करना पड़ रहा है, आपको कंपनसेशन के लिए 1,00,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, 1,00,000 रुपये का हो गया जी। तनीषा आप बताइए कि आपके पास कुछ पैसे बचेंगे, अभी आपने रिजर्व में 1,00,000 रुपये रख रखे थे कि कोई भी अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो मैं यहाँ से दे दूँगी, एक्सीडेंट हुआ और 1,00,000 रुपये मालिक को पे करने हैं, तो रिजर्व में कुछ पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे, अरे बेटा कॉमन सेंस की चीज़ है, आपने 1,00,000 रुपये रिजर्व में रख रखे हैं और 1,00,000 रुपये अब आप जब पैसे दोगे तो आपके पास अब रिजर्व में एक भी पैसे नहीं बचेंगे, सारे के सारे पैसे चले जाएंगे जो रिजर्व में है, क्योंकि एक रिजर्व का अमाउंट और क्लेम का अमाउंट दोनों इक्वल है। तो अब क्या एंट्री होगी, इसका अमाउंट क्या है बेटा, क्रेडिट वर्कमैन कंपनसेशन का, अब क्या एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू, ऊपर वाले में मैंने क्या करा, ऊपर तो पार्टनर्स में बट गया था क्योंकि कोई क्लेम ही नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ तो बटना नहीं है, यहाँ तो क्लेम हुआ,
पैसे देने हैं वर्कर्स को, कंपनसेशन देना है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं जो क्लेम में पैसा जाता है, जो कंपनसेशन में पैसा जाता है, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। जैसे हम लिख देंगे 1,00,000, 1,00,000, ऐसे सारा पैसा क्लेम में चला गया। बटेगा कौन सा पैसा, बटता तब अगर कुछ बचता, कुछ बचा ही नहीं पार्टनर्स के लिए, तो सारा पैसा जितना रिजर्व में रखा था सारा चला गया। जैसे एक और केस समझिए, केस 3 समझिए, आपने रिजर्व में 1,00,000 रुपये रख रखे थे कि कोई भी हादसा होगा तो 1,00,000 रुपये तक यहाँ से कर लेंगे। हादसा हुआ लेकिन केवल 60,000 रुपये तक का, केवल 60,000 का। अब आपने रिजर्व ज़्यादा का बना रखा है और क्लेम केवल 60,000 का ही है। अब आप बताइए 40,000 तो अभी भी पड़े रहेंगे ना भाई, आपने किसी चीज़ के लिए एक्सीडेंट के लिए 1,00,000 रुपये रख रखे थे, एक्सीडेंट हुआ वर्कर का, केवल 60,000 रुपये ही देने हैं, तो 40 तो अभी भी रिजर्व में पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 1,00,000 रुपये थे टोटल, 60,000 जो है वो तो क्लेम में चले जाएंगे, क्लेम का मतलब वर्कमैन को देने पड़ेंगे कंपनसेशन, उसको यहाँ पे क्लेम कहा जाता है। और जो 40,000 रुपये हैं ये तो फ्री है अभी, इसका क्या करें इस अमाउंट का, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जो पैसा बच जाता है वो पैसा जो है बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये क्लेम में चला गया। तो ये कौन सा है, केस 1, ये कौन सा है, केस 2। दोनों को अलग अलग एंट्री करना चाहते हो अलग अलग कर दो, एक करना चाहते हो एक कर दो। केस 1 की एंट्री क्या समझाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो भी है ABC XYZ, कितने से एंट्री हो जाएगी 40,000 से। और जो बाकी और जो क्लेम में पैसा जाना है उसकी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू, अभी समझाई ऊपर, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने से 60,000, 60,000, ये एंट्री होगी। तो ये एंट्री किस चीज़ की है, केस 2 जो अभी समझाया था, ये एंट्री किस चीज़ की है, केस 1 जो समझाया था, भाई 40 बांट दो पार्टनर में जो बच गए और 60,000 का क्लेम था। तो ये जो ये केस 1 और केस 2 का कॉम्बिनेशन है। अच्छा जी ठीक है, पहला मैंने बोला कोई क्लेम नहीं, दूसरा मैंने बोला बराबर है एक्सीडेंट उसके, तीसरा मैंने बोला कम है। अब आती है बेटा एक केस के रिगार्डिंग, केस नंबर 4। अब ज़रा ध्यान से समझिए, आपने रिजर्व बना रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,00,000 रुपये का, कि कोई भी अगर हादसा होता है तो मैं यहाँ से कर लूँगा। हादसा हुआ लेकिन क्या हुआ, क्लेम हो गया 1,50,000 रुपये का, मतलब एक्सीडेंट हुआ और आपको पे करने पड़ेंगे वर्कर को 1,50,000 रुपये। तो आपने तो केवल 1,00,000 का ही रिजर्व बना रखा है और आपको देने हैं 1,50,000 रुपये, 50,000 रुपये अब आपको ज़्यादा देने हैं, क्लेम इज़ ग्रेटर देन रिजर्व। अब क्या करेंगे जी ऐसी स्थिति में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो 1,00,000 तो एडजस्ट हो जाएंगे, 1,00,000 तो रिजर्व में पड़े हुए हैं, बाकी का 50 कहाँ से लाऊंगा। तो आपके अच्छा आप एक कॉमन सेंस की चीज़ लगाइए बेटा, आपको 50,000 रुपये वर्कर को देने हैं, सुर भी आपके ऊपर, ये चीज़ एसेट है या लायबिलिटी है ये बताइए। आप अगर आपको देने हैं किसी को पैसे तो ये एसेट है या लायबिलिटी है। अच्छा आपको मुझे फ़ीस देनी है, डेट आ रही है आपकी, तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है या लायबिलिटी है, एसेट है या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी को पैसे देने हैं तो वो एसेट होता है, क्या होता है तनिषा, लाइबिलिटी। अबे आपके ऊपर उधारी है ना, दायित्व है आपके ऊपर किसी को पैसे देने हैं, क्रेडिटर कौन होता है जिसको पैसे देने हैं। भाई आपको अगर मुझे फ़ीस देनी है तो मैं आपका कौन हूँ, मैं आपका क्रेडिटर हूँ, आपको मुझे पैसे देने हैं, तो जिसको पैसे देने हो आपके ऊपर उधारी है ना मेरी कि आपको फीस देनी है। तो ऐसे ही अगर मालिक को अपने वर्कर को क्या देना है, भाई 1,00,000 तो चल एडजस्ट हो जाएगा, 50,000 कहाँ से लाएगा, 50,000 देने हैं मालिक को उसको, तो मालिक के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई,
50,000 रुपये से लाइबिलिटी बढ़ गई, वो 1 लाख तक तो एडजस्ट था, तो 50,000 रुपये से और लाइबिलिटी बढ़ गई कि 50,000 रुपये और पे करने। प्रीति अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आती है या क्रेडिट साइड में आती है? और सोच लो अच्छे से बेटा, लाइबिलिटी का बढ़ना डेबिट साइड आता है, डेबिट डेबिट डेबिट, अभी ऊपर समझाया, ये रहा ये रहा, लाइबिलिटी का बढ़ना डेबिट साइड आता है। तो भाई 1 लाख रुपए तो रिजर्व से एडजस्ट हो जाएंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी जरा ध्यान से समझेंगे बेटा। 1 लाख रुपए तो एडजस्ट हो जाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू, क्या लिखूंगा मैं उस चीज़ को जो एडजस्ट करने है, उसको मैं लिखूंगा बेटा प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए पहली एंट्री, ये तो 1 लाख रुपए एडजस्ट हो गए, ठीक है। अच्छा अब दूसरी एंट्री क्या होगी, 50,000 रुपये से मालिक के ऊपर और बर्डन आ गया कि 1 लाख का तो चल रिजर्व था वो तो वहाँ से एडजस्ट हो गया, लेकिन 50,000 रुपये और देने हैं, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई मालिक के ऊपर, लाइबिलिटी बढ़ रही है, और लाइबिलिटी का बढ़ना रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आता है, अभी ऊपर बताया है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना 50,000 50,000, ठीक है जी। अच्छा इस चीज़ को यहाँ पे देखिए ज़रा, अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा होता तो लाइबिलिटी बढ़ गई, तो मैं यहाँ लिखता प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और यहाँ पे मैं लिख देता 50,000, ठीक है जी। अच्छा अगर केवल यही कंपोनेंट होता, बस केवल यही एक एक होता, बस यही, तो अब मुझे इस अकाउंट को बंद करना है, अगर इस अकाउंट को मुझे बंद करना है, तो मैंने आपको बोला अगर इधर बैलेंसिंग कम आती है तो प्रॉफिट होता है, और अगर इधर बैलेंसिंग कम आती है तो लॉस होता है, ये दोनों अकाउंट बराबर करने हैं, इधर 50,000 है तो आप खुद सोचो इधर भी 50,000 लाने हैं तो बैलेंसिंग किधर कम आएगी बेटा, इधर ही तो कम आएगी 50,000, क्योंकि दोनों 50-50 तभी तो ये अकाउंट बराबर होगा, ये नहीं आएगा यहाँ, यहाँ बैलेंसिंग कम आएगी, लॉस 50,000, तो अब लॉस हो गया 50,000, इसको एक बराबर करना है, तो इसको इसकी जनरल एंट्री अभी मैंने आपको सिखाई, क्या जनरल एंट्री होती है सुरभि, लॉस की जनरल एंट्री क्या होगी, आवाज़ आ रही है बेटा, लॉस की जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो लॉस की जनरल एंट्री क्या होगी, लॉस की जनरल एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रिवैल्यूएशन, ये आपका ये आ जाएगा इधर 50,000 जो ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मान लीजिए इक्वल की रेशो है तो मान लो 25,000 25,000 50,000, 3 एंट्री होगी बेटा इस केस की, ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अभी आपको थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, अभी आप सोच रहे होगे क्या पढ़ा रहा है आज, कौन सा चल रहा है, क्या मामला चल रहा है ये, लेकिन अभी हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़ें, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के क्वेश्चन करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन के, अभी तो हम सिर्फ आप रफली आइडिया पढ़ रहे हो कि वर्कमैन कंपनसेशन वगैरह क्या है, अभी आप जनरल एंट्रीज को लर्न करना है आपको, मैं तो समझाई है आपको कि भाई कौन सी चीज़ क्या आ रही है, क्यों आ रही है, लेकिन आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो आपको बेटा लर्न करनी पड़ेगी इन सब के केसेस की। अभी मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ये तो फिर भी आसान है, वो हम कल करेंगे अगली क्लास के अंदर, और ये सारी एंट्रीज आज मैंने जितनी भी बताई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, कैसे उसकी जनरल एंट्री होती है, नहीं अब अभी आप कुछ नहीं कर रहे, आज अब सिर्फ आपको ये जनरल एंट्रीज़ को लर्न करना है और कुछ नहीं।